नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आज बता दें आपको, सोनिया गांधी और राहुल गांधी आज दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय में पहुंचे। इसी बीच बता दें आपको कि आज कांग्रेस स्थापना का 137वां दिवस है। इसी बीच बता दें आपको कि कांग्रेस स्थापना के 137वें दिवस पर आज कांग्रेस का झंडा फहराने सोनिया गांधी और राहुल गांधी कांग्रेस कार्यालय पहुंचे हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस आज अपना 137वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर दिल्ली समेत विभिन्न प्रदेशों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राजधानी दिल्ली में स्थित कांग्रेस के मुख्यालय पर भी कार्यक्रम हुआ, लेकिन यह झंडा फहराने का कार्यक्रम ठीक से नहीं हो पाया। बता दें आपको कि सोनिया गांधी ने जब पार्टी का झंडा फहराने की कोशिश की तो वह थोड़ा सा हिलने डुलने लगा। ऐसा माना जा रहा है कि झंडा ठीक से बंधा नहीं, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। बाद में सोनिया गांधी ने हाथ से ही झंडा फहरा दिया। इसके बाद कार्यक्रम में मौजूद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कार्यकर्ताओं से झंडा फहराने को कहा। फिर एक कार्यकर्ता आया और झंडे वाले काफ़ी ऊंचे पोल पर चढ़ा, लेकिन वह आधा ही ऊपर जा सका। फिर दूसरा कार्यकर्ता आया जिसने झंडे को बांधने की कोशिश की। बाद में सीढ़ी भी मंगाई गई। ऐसी उतार तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिएगा SPN 9 न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।